आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पी के ए, इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी पी के ए की, ये आपको बताना है। राइट, सो बच्चों आपको यहाँ पे समझना होगा कि होता क्या है कि पी के ई बेसिकली कैसे रिलेटेड होता है एसिडिक स्ट्रेंथ से, कि होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है पी के ए। राइट, मतलब कहने का मतलब पी के ई की वैल्यू कम होगी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो पी के ई वैल्यू ज़्यादा होगी। सो आपको सबसे यहाँ पर पहले एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। फाइन, सो मेरे पास एक सिस्टम्स के एफ सी एच टू सी एच टू सी ओ एच, सो बेसिकली ये आपका इस टाइप से लगा हुआ है। क्लियर, यहाँ पर क्लोरीन है। सेकेंड सिस्टम मेरे पास क्या है, सी एच थ्री सी एच, यहाँ एफ लगा हुआ है सी ओ एच। थर्ड सिस्टम क्या है मेरे पास, सी एच थ्री सी एच, यहाँ लगा हुआ है ब्रोमीन सी ओ एच। और फोर्थ सिस्टम है मेरे पास सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच। राइट, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन पर, जो फॉर्म होता है जब आपका कोई भी कंपाउंड जो है वो एच पॉजिटिव लूज करता है। क्योंकि एसिडिटी मतलब कि जो आपका रेडली एच पॉजिटिव को लूज कर सके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर एच पॉजिटिव आपके, सॉरी अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर जब आपके एच पॉजिटिव लूज हो जाएंगे तो इस टाइप से आपका क्या सिस्टम हो जाएगा, आपके पास इस टाइप से अनायन बनेगा। फाइन, सो अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे जुड़ा हुआ। आपको होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। फ्लोरीन जितना पास होगा उतना ज़्यादा ये कार्बन आयन स्टेबल होगा। सो सेकंड केस में फ्लोरीन जो है वो आपका सेकंड कार्बन पर ही है। राइट, सो ये सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक होगा। राइट, सो सेकंड सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब देखोगे कि थर्ड केस में मेरे पास ब्रोमीन भी है, ब्रोमीन भी हैलोजन है, उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो इट मीन्स ये भी क्लोज है आपके अनायन के, सो इसकी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। राइट, मतलब ये भी ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर आपका कौन होगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है। राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बट फोर्थ में देखोगे कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है डोनेटिंग होते हैं, सो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज कार्बन आयन अनस्टेबल हो जाता है। राइट, सो फोर्थ सबसे ज़्यादा लेस एसिडिक होगा। सो जैसा कि मैंने बोला, जो सबसे कम एसिडिक होगा उसकी पी के वैल्यू ज़्यादा होगी, सो फोर्थ की सबसे ज़्यादा पी के वैल्यू होगी। सो ऑप्शन फोर करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।